पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रहर गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के लगभग 9 बज रही हैं और आज मेरी तैयारी हो गई है फाटा मार्केट जाने की, क्योंकि मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो गई है। मम्मी को बुखार जुकाम सिरदर्द हो रहा है, तो मैं दवाई के लिए जा रही हूँ। वहीं से घर का सामान भी लेके आऊँगी और आज का मौसम आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा है। आज सुबह में तो बारिश लग रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं लग रही है, आसमान में काले बादल छाई रखे हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं फाटा मार्केट के लिए। और यहाँ देखिए भाई, रास्ता भी बारिश के कारण पूरा गीला हो रखा है और फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और बारिश के कारण ना पहाड़ियाँ काफ़ी सुहावनी लग रही हैं और जो घास उसके पेड़ हैं वो भी, क्योंकि पेड़ों पे जो पत्तों पे जो धूल लगी हुई थी ना, वो भी बारिश में पूरी हो चुकी है, साफ हो चुकी है धूल पत्तियों से। और यहाँ से ठीक नीचे नेपाली लोगों का टेंट निकाल रखा है, क्योंकि आजकल ये गांव में काम करने के लिए आ रखे हैं। नदी के किनारे किनारे दीवार दे रहे हैं, तो आप लोगों को वहीं जाके बताएंगे। बाकी आज मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मटमीला सा आ रखा है, मतलब पानी थोड़ा गंदा आ रखा है। तो अब चलते हैं। बादल फटने के कारण ना यहाँ नीचे पेड़ थे बांझ के, लेकिन वो भी टूट गए हैं। और यहाँ पे है काफल का पेड़, तो पिछले साल तो इस पर काफल नहीं लगे हुए थे, लेकिन इस साल ना काफ़ी सारे काफल लगे हुए हैं। यहाँ रास्ते से ठीक नीचे दिखाई देती है मंदाकिनी नदी। तो ये देखिए, आज मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो थोड़ा ज़्यादा आ रखा है और पानी मटमीला सा। बाकी ठीक यहाँ सामने दिखाई दे रहा है हमारे घर से सबसे ऊपर वाला घर, जो कि चाचा लोगों का है। तो अभी यहाँ पुल से ना रोड तक 2 किलोमीटर पैदल जाना है, वो भी चढ़ाई वाले रास्ते से और घने जंगल वाले रास्ते से। तो इन पेड़ों के बीच ना कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए भाई, ऐसे जंगल से होकर जाना पड़ता है स्कूल भी और कुछ भी सामान हो उसके लिए भी। तबीयत तो सही हो गई है, लेकिन मम्मी की तबीयत सही नहीं है भाई। आज से मम्मी को बुखार जुकाम खांसी सिरदर्द स्टार्ट हो गया है। तो मम्मी ने बोला मेरे लिए दवाई भी लेके आ और वहीं से सामान भी। तो चलते हैं अब, और मेरा जो बुखार सिरदर्द है ना वो तो ठीक हो गया है, सिर्फ हल्का हल्का जुकाम बाकी है। पहले भाई को हुआ था जुकाम बुखार, फिर मुझे और अब मम्मी को। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ पगडंडी वाले रास्ते में। यहाँ नीचे की साइड बुरांस के पेड़ हैं और यहाँ ऊपर की साइड चीड़ बुरांस के पेड़। तो यहाँ पे है काफल का पेड़, तो इस पे ना काफल भी लगे हुए हैं। एक पेड़ ये रहा और एक पेड़ ये रहा। और यहाँ पे है बांझ के काफ़ी बड़े बड़े आड़ी पेड़, जो कि काफ़ी सालों से काटे नहीं गए हैं। और यहाँ नीचे है रिंगर और यहाँ नीचे एक गदेरा है जिसको गविनी गार्ड बोला जाता है। और यहाँ से ना पहला रास्ता भी जाता है जो कि बड़ासू गाँव और बैला गाँव के लिए जाता है। चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते ना खांसी स्टार्ट हो गई है, लगता है अभी भी ढंग से ठीक नहीं हो पाई हूँ मैं। जुकाम खांसी फिर से होनी स्टार्ट हो गई है भाई। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है घना जंगल वाला रास्ता। यहाँ सिर्फ बुरांस के पेड़ और रिंगाल की झाड़ियाँ हैं, तो ऐसे जंगलों से बीच बीच से होकर जाता है रास्ता। यहाँ नीचे भी देखिए काफ़ी सारे पेड़ और ऊपर की साइड भी, और बीच से है पगडंडी वाला रास्ता।
और कुछ कुछ बुरांस के पेड़ों पे ना बुरांस नहीं खिल रखे हैं, और कुछ कुछ पे तो काफ़ी सारे खिल रखे हैं। जो बुरांस की जो कलियां होती हैं ना वो झड़ के नीचे आ रही हैं। तो आप लोगों को बुरांस का पेड़ बताते हैं। तो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है बुरांस के फूल, जिसपे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। पहाड़ों में ना बुरांस का जूस भी निकाला जाता है। आप लोगों को कभी बताऊंगी जब बुरांस अच्छी तरह से खिल जाएंगे तब बताएंगे बुरांस का जूस कैसे निकाला जाता है। कभी ना हम घर में निकालते थे पुदीना का जूस, बुरांस माल्टे का जूस। वैसे हमने माल्टे का जूस तो नहीं निकाला, लेकिन गाँव में मशीन आती थी एक बहुत पहले, तब मैं छोटी थी, और एक दिन ना मेरे पापा ने निकाला था पुदीने का जूस, जो भी काफ़ी स्वादिष्ट था भाई। तो मेरे पापा ने निकाला था। और यहाँ से ना सामने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी साफ दिखाई दे रही हैं, जिसपे हल्का हल्का सूखा घास दिखाई दे रहा है, नहीं तो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और उधर की साइड देखिए जंगल में आग लग रखी थी, तो पूरा जंगल देखिए भाई, जो घास था वो पूरा जल चुका है। बाकी हमारे इधर साइड नहीं लगी आग, हमारे साइड का जंगल बच गया, नहीं तो उधर की साइड भी ना आग लगी, जिसके कारण वहाँ भी पूरा जंगल जल चुका है। तो सिर्फ यहाँ पे ये एरिया ही बच रखा है। और एक सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है झरना, जो कि बरसात के टाइम काफ़ी ज़्यादा आता है। हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, तो हल्का हल्का ही आ रहा है आजकल उसमें पानी, लेकिन बरसात के टाइम काफ़ी ज़्यादा आता है। फाइनली मैं अपने मेन मार्केट फाटा मार्केट में पहुंचने वाली हूं, और जैसे ही मैं फाटा मार्केट पहुंची ना वैसे ही हल्की हल्की धूप लगनी स्टार्ट हो गई है। सामने दिखाई दे रहा है हमारा मेन मार्केट फाटा मार्केट, जो केदार घाटी का मेन मार्केट है, और ये केदारनाथ यात्रा की मेन रोड भी है। तो यहीं से जाते हैं केदारनाथ के लिए, मतलब ये रोड जाती है सोमप्रिया गौरीकुंड के लिए। और वैसे ही देखिए शादी वाली गाड़ी भी जा रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ दादाजी की शॉप पे सामान के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना 5 लीटर का तेल रखा, और यहाँ पे है दाल, अभी कुछ और सामान भी लेना है। मार्केट से पूरा सामान भी ला गई हूँ, और जैसे मैं पूरा सामान लाई ना वैसे ही काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मैंने ना फाटा मार्केट से पूरा सामान ले लिया है, कुछ बैग में है और कुछ इस कट्टे में, और एक वो भी लेके आई हूँ बैंडेज तार, तो ये भी चाहिए है वहाँ काम पे। तो अब फटाफट से चलते हैं, और इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना इस कट्टे में, तो फिलहाल अभी चलते हैं, तो आप लोगों को घर पे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश लग रही है, छाता ऐसे पकड़ रखा है मैंने। तो अभी मैं आ गई हूँ प्रतीक्षालय में, और अभी देखिए भाई काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई हैं। लगता है आज किसी की डेथ हुई होगी, तो आज नीचे घाट पे जा रखे हैं। तो मेरे को तो जब मैं फाटा मार्केट आ रही थी ना तब मेरे को मिल गए थे, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये वाली रोड जाती है केदारनाथ के लिए, और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। इस थैले में जो सामान था ना, इस थैले में मैंने साबुन वगैरह रख रहे, तो मैंने इस बैग में रख दिया है, और बैग में कोई भी मतलब एक भी जगह खाली नहीं बची हुई है, फुल है। अब जो ये बैंडेज तार है तो ये भी चाहिए है सरिया बांधने के लिए, तो इसको ना मैं अब इस थैले में डालूँगी। बाकी देखिए भाई बाहर काफ़ी तेज़ बारिश लग रही है, तो बारिश तो होती रहेगी फिलहाल। अभी बैग लगा देते हैं पीछे पे और घर चलते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो लंच बनाने मुझे ही जाना पड़ेगा घर, और मम्मी के लिए ना खिचड़ी बनाऊंगी। तो अब चलते हैं घर की ओर, और मैंने ना टॉफ़ी विराट के साथ तो टॉफ़ी खा लेते हैं। रोड की सुविधा नहीं है ना, वहाँ सामान लाने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है भाई। जैसे अभी मेरे पे ही देख लो, इतनी भयंकर आफत आ रही है ना ऐसे बारिश में सामान घर पहुंचाने की, बाप रे, और वो भी ऐसी बारिश में, काफ़ी ज़्यादा बारिश लग रही है अभी। तो फिलहाल अभी फटाफट से चलते हैं, और रास्ता भी इतना कीचड़ वाला हो रखा है ना, ये देखिए पूरा रास्ता कीचड़ वाला ही हो रखा है, और जूते भी पूरे गीले हो गए हैं। मुझे तो अभी किसी चीज़ की डर नहीं लग रही है, क्योंकि काफ़ी तेज हवा चल रही है, और चीड़ के पेड़ ना रास्ते में सूख रखे हैं, अगर वो टूटेंगे तो क्या होगा।
और रास्ता देखिए भाई ऐसे गीला सा हो रखा है, ये देखिए। चलते चलते ना मेरा पैर भी मुड़ गया है, अब आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी तक दौड़ रही थी ना रास्ते में, अब आफा से आ रही है। वैसे ही साथ में ये थैला भी है, अब चलते हैं और हम आराम से जाना पड़ेगा भाई। लचक लचक के चल रही हूँ मैं अभी। तो फाइनली मैं घर भी पहुँच गई हूँ और जो टोपी है ना पूरी गीली हो गई है। आधा रास्ते तक छतरी में आई, फिर छतरी में चला नहीं गया फिर साथ में ये थैला भी था, तो मैंने छाता बंद किया। फिर आई तो पूरे कपड़े देखे गीले हो गए हैं, तो अब कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। और बैग में जो चीनी और गुड़ है ना, लगता है उसकी चाशनी बन गई होगी, तो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। फिलहाल अभी कपड़े चेंज करती हूँ। तो मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और अब आपको इस बैग में बताते हैं क्या क्या सामान है। तो अब बैग खोल देते हैं। तो इसमें तो मैंने काफ़ी सारे साबुन ला रखे हैं, बर्तन धोने वाला और कपड़ों धोने वाला काफ़ी सारे ला रखे हैं मैंने। ये देखिए एक महीने की छुट्टी हो गई है, एक तेल का पाउच भी ला रखा है, और ये रहा गुड़। और सबसे ज़्यादा भारी बताऊँ क्या हुआ, ये हुआ तेल का जर्किन 5 लीटर का लाई, और ये धूप लेके आई हूँ मंदिर के लिए, और ये है दाल, और ये है चीनी। बस इतना ही सामान है, बाकी ये बिस्किट वगैरह ला रखे हैं मैंने, और भाई के लिए कुरकुरे ला रखे हैं। और जो इम्पोर्टेंट सामान था ना वो थी मम्मी की दवाई, और दवाई देखिए पूरी गीली हो गई है, बैग के अंदर भी पानी घुसा। ये देखिए कुछ ऐसे हो रखे हैं दवाई के हाल। लार दवाई तो नहीं हुई ख़राब, लेकिन ये लार किया मैंने जुकाम की, और यह खांसी की, और यह सिर दर्द बुखार और बदन दर्द की दवाई लेके आती है मम्मी के लिए। तो अभी मैं ना मम्मी के लिए यहाँ पे गरम पानी कर रही हूँ दवाई खाने के लिए। तो मम्मी को दवाई दे देते हैं गरम पानी में। तो फ्राई पैन पर मैंने पानी भी रख दिया है गरम करने के लिए गैस में। तो अब मम्मी यहाँ पे दवाई खा रही। मम्मी लो, कैसी है आप तबीयत? ऐसी है, जुकाम लग रहा है, बुखार आ रहा है, सारे हाथ पांव दर्द हो रहा है, कमर दर्द। अरे मम्मी बोल भी नहीं पा रही है, तो मम्मी अब दवाई खा लेती है यहाँ पे। आज मैं दिन के लंच में भात नहीं बना रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ दिन में रोटी। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है। तो मम्मी ने बोला कि रोटी बना मेरे लिए, तो मैं रोटी बना रही हूँ सबके लिए। भी हो गया है, और जैसे मैं लंच करके किचन से बाहर आई ना, वैसे ही देखिए धूप भी लग गई है, धूप भी लग रखी है और बारिश भी हो ही रही है।